जयपुर जिले के दक्षिण में तहसील जिसका नाम है चाकसू, और चाकसू में एक ऐतिहासिक मंदिर जिनका नाम है शीतला माता जी का मंदिर है। और शीतला माता जी मंदिर को इन माता जी को बता रखा है कि प्रजापति समाज की कुलदेवी है और कुम्हार समाज की कुलदेवी बताई जाती है। ऐतिहासिक मंदिर पे आज परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है मंदिर में पहुंचने का। और जैसा कि जनश्रुति के अनुसार, यहाँ के नगरवासियों के अनुसार हमें पता लगा कि प्राचीन काल 500 वर्ष पुराना है, और इतिहास इसका ऐसा मिलता है कि यहाँ कोई बुढ़िया आई, इस गांव के अंदर बुढ़िया आई थी, तब कहते हैं कि इस पर किसी ने गर्म पानी का, जो चावल का गर्म पानी वो डाल दिया था, इनसे उनका शरीर पे फफोड़े वगैरह हो गए। तो फिर क्या है कि वो उनको कोई शांत शरीर करना था, शरीर शांत करना था, तो उस दौरान किसी प्रजापति समाज की महिला ने उनको भोजन करवाया था, कहते बासी भोजन करवाया था। उसके बाद ऐसी मान्यता होगी कि ये बासुड़ा की देवी है, बासुड़ा की देवी है। चैत्र माह में यहाँ पर एक अच्छा मेला भरता है, मेले माताओं के जो मेले होते हैं वो नवरात्रों के अंदर भरते हैं, और साल में दो नवरात्रे आते हैं, वो लगभग माताओं की एक विशेष बात होती है। और इस मंदिर की खास बात ये हमारे भारत का एकमात्र मंदिर है जहां मंदिर के अंदर पुजारी के अंदर यहां पर ब्राह्मण की बजाय यहां पर प्रजापति समाज के पुजारी जीता हुआ है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है, मतलब आपका बारी से यहाँ होता है। तो ये जो मंदिर की मूर्ति स्थापना हो रखी है, इस मूर्ति को लेकर क्या ख्याल है आपका? मूर्ति में ये बताया जाता है कि जैसे अपने चेचक नाम की कोई बीमारी होती है, तो अपने जैसे राजस्थानी भाषा में या किसी माता के नाम से बोला जाए तो उसको शीतला माता के नाम से बताया जा सकता है। जो आप बता रहे हो चेचक की बीमारी होती है शीतला माता के धोखा लगाने से, ये सही सकती है। तो मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि मंदिर के प्रांगण के अंदर यहाँ मूर्ति के आसपास ये पत्थर पड़े हैं, ये सील पड़ी है, ये पत्थर रखने का क्या महत्व है यहाँ? इसमें क्या है कि जो मूर्ति है वो केवल एक मूर्ति रूप में न बन करके एक पत्थर के रूप में निकली हुई है। जिस प्रकार अपने माता निकलती है तो छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो उसी प्रकार ये पत्थर के रूप में निकल कर बताई गई है। ये पत्थर मतलब ये जो पत्थर है ये मुख्य प्रतिमा है क्या जो आप दिखा रहे हो? ये उसमें जो मोटी माता निकलती है वो सामने है, जो पत्थर के हिसाब से, मतलब ये माता के बारे में जो एक बीमारी है, वो चेचक की बीमारी जो बता रहे हो वो माता के बारे में। तो ये मंदिर जो यहाँ भी अपने खड़े हैं, ये मंदिर कितना वर्ष पुराना मंदिर है? ये करीब है 500-600 साल पुराना सर। अच्छा, मंदिर से बैक साइड में यहाँ पर एक भवन और बना हुआ है, जरा देखिए इसको, ये भवन है, ये भी इसके साथ ही बना हुआ है क्या? ये भी इसी के साथ बना हुआ है, इसको राजा माधव सिंह जी ने बनाया है, और इसको एक धर्मशाला के तौर पे बताया गया है जिसमें जो यात्री है वो आकर अपने विश्राम कर सकते हैं, जिसको अपन बारादरी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, मतलब ये भी बारादरी है। जैसा कि आपने सुना बारादरी, मैं आपको कई जगह बता चुका हूँ, मैं पिछली वीडियो में मैंने आपको आना सागर के पास बारादरी बताया था, और बारादरी सिटी प्लेस जयपुर में एक होटल का भी नाम है। तो देखो बारादरी आपको शीतला माता मंदिर के पास ही धर्मशाला बताई जा रही है, उसे भी बारादरी के नाम से जाना जाता है। जैसा कि यहाँ हमें जानकारी के तहत पता लगा कि जयपुर के शासक यहाँ माधव सिंह जी के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। जैसी बात है, माधव सिंह सेकंड तो होंगे, प्रथम होंगे, माधव सिंह जी प्रथम के द्वारा ये मंदिर बनवाया गया है, ऐतिहासिक मंदिर है। और यहाँ जो आप गांव बता रही है, गांव का नाम क्या है? डूंगरी गांव, गांव था पहले, अब ये सील की डूंगरी के नाम से जाना जाता है। चलो, पहले ये डूंगरी गांव था और वर्तमान में ये सील की डूंगरी के नाम से ये जाना जाता है। चलो, ये विशेष बात है। फिलहाल चाकसू के अंदर ही आता है ये क्या? जी, चाकसू के अंदर ही आता है, चाकसू तहसील के अंदर, चाकसू तहसील के अंदर आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने ये मंदिर की ऐतिहासिक जानकारी। शीतला माता के दर्शन करने के बाद ऊपरी दृश्य को देखते हुए हम यहाँ से रवानगी लेते हैं। जब भी हम यहाँ से रवानगी लेने लगे तब हमें छोटी सी एक बालाजी महाराज की प्रतिमा दिखी, और इसके पास में यहाँ पर कुछ जल रखा हुआ था और छोटा सा एक जल इकट्ठा हुआ स्थान था। कहते हैं कि इस जल लगाने से मान्यता है कि जो चेचक की बीमारी है या जिसके कोई जैसे रोग हो जाते हैं चेचक जैसी, और माता निकल जाती है, तो उनका यहाँ पर सफल इलाज होता है। जैसे कि ये एक जहाँ ये पुजारी बता रहे हैं, ये जो ब्लैक सा कुछ आपको नज़र आ रहा है, यहीं से कहते हैं ये पानी लगाने से पूरी इसी समस्याओं का समाधान यहाँ पर होता है, ये ऐसी यहाँ पर लोगों की एक मान्यता है। तो अब हम मंदिर से रवाना होते हैं और अब प्रस्थान करते हैं नए स्थान की ओर। शीतला माता मंदिर के दर्शन करने के बाद देखा कि बाहर एक पहाड़ी पर हमें गढ़ नजर आया जिसका नाम था चाकसू का किला, या इसे चाकसू के गढ़ के नाम से जाना गया। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से बना हुआ
किला है जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर सामने नज़र आपको आ रहा है। ये है।